मैं इसको थोड़ा सा पीछे से देखना चाहता हूँ। मैं इसको आपके सामने रखूँगा एक आम वोटर के तरफ से, जो ना टेक्निकल चीज़ें जानता है ना टेक्निकल चीज़ें कभी प्रूव कर सकता है। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे परेशान कर रहा है ईवीएम को लेके, मुझे और हमारे संगठन को और हमारे जैसे लोगों को, कि लोग कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है। वो है या नहीं है, प्रूव करना या नहीं करना, वो सबसे बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो वोट दिया वही वोट गिना जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो मुझे विश्वास होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये पॉसिबिलिटी कि इसमें टैम्परिंग हो सके, मैं बताऊं, आजकल हम लोग मशीनों से घिर गए। इसकी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आधार जिससे और उस बायोमेट्रिक मशीन से जो ये सरकार लाई कहते हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, इंक्लूजन हो जाएगा, इफिशंसी आ जाएगा, लोगों को मार रहा है, रोज़ाना मार रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं हूँ निखिल डे, मैं लगा रहा हूँ मेरा अंगूठा, पूरा गांव कह रहा है, वो डीलर कह रहा है, सब कोई कह रहा है, लेकिन मशीन कह रहा है अब नहीं। अरे भाई, वो भी वो मशीन, और सरकार माने नहीं और सरकार कहे नहीं, तो वो मशीन में फेथ सरकार की इतनी है और इस ढांचे की इतनी है और इस मशीन में भी फेथ इतनी है कि ये मशीन कभी गलती कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है भाई? मशीन, वो मशीन तो कर रही है, लाखों में कर रही है, लाखों में। 1 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिल रहा है राजस्थान में, देश भर में। आपने तो शुरू ही नहीं किया, आपके तो केवल नंबर लिंक हुए हैं, मशीन में नहीं आए आपका नंबर अभी तक, वो तो गरीबों के लिए है, लेकिन आपका नंबर मशीनों में आने लग जाए। और एक इसके साथ साथ चल रहा है कि आप आप ईवीएम और आधार को लिंक करो, आप वहाँ वोटिंग भी कराओ बायोमेट्रिक से। तो पहले आपका एक मशीन है, उसके ऊपर आप एक दूसरा टेक्नोलॉजी और वो लगाओगे और आप बस आप उस दुनिया में हो जो आप कहते हो। मशीन कभी झूठ नहीं बोल सकता है, पहले तो आप ही झूठ बोलने वाले लोग, फिर जब आपके सामने सच्चाई आती है आप उसको नहीं स्वीकार करते हो, कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं उसको स्वीकार नहीं करते हो, और फिर आप ये कहते हो कि ये लोकतंत्र है। तो मशीनों से तो परेशान है लोग, और इसके ऊपर लोगों के सवाल हैं। वो चाहे इस बार गुजरात का चुनाव था, चाहे रिजल्ट इधर गया उधर गया, और इसीलिए जो बात कही कि ये बात सही थी कि सबसे पहले तो बीजेपी ने सवाल उठाया जब वो अपोजिशन में थे, और आज कांग्रेस सवाल उठा रहा है जब वो अपोजिशन में बैठी है, और वो जो अपोजिशन में बैठेगा वो सवाल उठाएंगे, जो हारेगा वो सवाल उठाएंगे, और सवाल उठाना उनका वाजिब है क्योंकि दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता। और जो आता है, जो इन्होंने, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, छोटी सी बात है, लंबी बात मेरे हिसाब से है नहीं, मेरे लिए वो ही एक मोटा पॉइंट है। आप यदि वीवीपैट लाए, क्यों लाए भाई? ताकि आप उस पेपर ट्रेल को देख सको। हम लोग आरटीआई वाले लोग हैं, आरटीआई वाले लोगों का पूरा काम पेपर ट्रेल है। आप उसका पीछा करो, पीछे से आप पूरा उसका हिस्सा देखो, यू डिसेक्ट इट, यू गो बिहाइंड इट, यू अंडरस्टैंड इट। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें क्या, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड वंस इट्स क्लोज्ड इन दैट बॉक्स। और फिर वीवीपैट आपने डाला, उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दिस इज द आंसर, I don't know if it's the answer, but what you have put in it, count it. If you don't count it, remove the machine. ये बात क्या है कि आपने वीवीपैट लगाया और आप कह रहे हो 1% काउंट करोगे, ये क्या बात है? क्यों कर रहे हो वीवीपैट का खर्चा, क्यों कह रहे हो? हाँ, ये बात सही है, दिस आई कैन से, वो लोग भी कहते हैं दिखता है, वो कागज दिखता है अंदर जाने से पहले, तो दिखता है तो उसको तो गिनो। आप मशीन को गिनोगे या उस कागज को गिनोगे? जो दिख रहा है, अ ट्रांसपेरेंट सीक्रेट बैलेट इज दैट आई कैन सी, मैं वोटर के रूप में देख सकता हूं, मुझे विश्वास है मेरा है बैलेट,
एंड सीक्रेट कि मैं कि वो एक ऐसी जगह जाएगा जहाँ मेरा मिक्स हो जाएगा और लोगों के साथ, लेकिन मशीन में मैं नहीं देख सकता हूँ। और इसीलिए शुरू से मशीन से लोग बाहर निकल के कहने लग गए, भगवान जाने हमने वोट एक जगह दिया। लोग इसके साथ कुछ तीन चार और चीज़ें जुड़े हैं। हम कहते हैं बूथ कैप्चरिंग, लेकिन बुज़ुर्ग लोग, ऐसे लोग जिनको समझ में नहीं आता है मशीन, हाँ ठीक है हम समझाते हैं सिखाते हैं सब कुछ है, लेकिन कई लोग उनको एड करते हैं। कई आज भी कई जगह हैं जहाँ कोई और इलेक्शन एजेंट किसी और पार्टी का बैठ नहीं सकता है, अभी भी ये हुए हैं, अभी भी ऐसे होते हैं कि एक तरफा बैठता है। और फिर उस बूथ के अंदर चाहे जो कर लो, कौन आपका अंगूठा कहाँ मदद कर रहा है, कौन अंगूठा किस जगह जा रहा है, उसमें ऐसा नहीं है, वो हाथ को भी ले जा सकते हैं और उसी के ऊपर डाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इट्स मच ईजियर इन अ मशीन, इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट इन अ मशीन टू बी एबल टू कम आउट एंड से मेरे साथ मैनिपुलेशन हुआ। तो वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड एक्ट्स विद इन दिस सिस्टम, मैं तो ये मानता हूँ ये पूरा डेमोक्रेसी है, लेकिन इसी को जाके वहाँ जाके सत्ता में बैठ जाते हैं, इन दैट सेक्रेड एक्ट यू कैनॉट, इवन इफ इट कॉस्ट अस अ फ्यू मोर डेज इन काउंटिंग, इवन इफ इट कॉस्ट अस सम मोर एफर्ट, इफ इट कॉस्ट अस सम मोर मनी, एंड इट इज नॉट अ क्वेश्चन, आई कंप्लीटली अग्री, बूथ कैप्चरिंग इसका भी हो सकता है, बूथ कैप्चरिंग उसका भी हो सकता है। बूथ कैप्चरिंग इसकी वजह से नहीं रुका है, बूथ कैप्चरिंग रुका है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और तगड़ा हुआ है। वो बूथ कैप्चरिंग एक अलग सवाल है, उसको इससे मिक्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ मेरे हिसाब से एक और चीज़ है और फिर मैं समाप्त करूँगा कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, और ये केवल ईवीएम से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन ईवीएम में होते रहेगा, और वो है कि सीक्रेट बैलेट की बात चली गई, क्योंकि अब बूथ वाइज काउंटिंग होता है, और बूथ वाइज काउंटिंग में आपको पता चल जाता है कि इस गुआड़ी के लोगों ने कहाँ वोट दिया और उस गुआड़ी के लोगों ने कहाँ वोट दिया, और सारे पार्टी वाले लोग उसको ले के घूमते। अब जब पेपर बैलेट था वो पहले, मुझे याद है पहले पूरा का पूरा मिक्स होता था और आपको बूथ वाइज नहीं मिलते थे, फिर पेपर बैलेट में ही बूथ वाइज करने लग गए, जो जिसके बारे में हम चिल्लाने लग गए। लेकिन ईवीएम में आपको बूथ वाइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक मशीन की काउंट अलग अलग निकल के आती है और वो बूथ वाइज ही निकलेगा। तो द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द बैलेट इज डिस्ट्रॉयड बाय द ईवीएम मशीन, एंड द ईवीएम कैनॉट सर्वाइव विदाउट that separate booth wise counting. You cannot, if you start mixing up tomorrow all the EVM machines and do counting, then you absolutely, koi bhi nahi manega. Log kahenge to ye to bilkul aapka pura hi hack ho gaya. To hack America mein baith ke karo, hack yahan baith ke karo, hack aap mobile phone se karo, hack aap machine ke andar karo, hack aap kahin karo ya na karo, hack ho sakta hai. Jo kahega ki nahi hack ho sakta hai, wo bewakoof number one hai. वो मशीन को जानता ही नहीं। हैक हो सकता है, हो रहा है या नहीं हो रहा है वो पता नहीं। एक अमेरिका में न्यूक्लियर बटन, हम जानते हैं कि वो एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और वो चलता है कि आपको ऑटोमेटिक एयर वार्निंग्स मिल जाते हैं कि बाहर से अटैक आ रहा है, ये हो सकता है ये हो सकता है। एक बहुत बड़ा डिबेट हो गया था दैट दे हैड फाउंड अ फूल प्रूफ कंप्यूटर सिस्टम by which launching would take place based on a series of foolproof electronic signals. उसमें सबसे बड़े साइंटिस्ट ने यही कहा, इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी हमारी कि हम कह दें कि कोई सिस्टम फूल प्रूफ है। फूल प्रूफ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मशीनों में गलतियाँ और गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, इंसानों में भी हो सकती है। इंसानों में होगी तो आपको पता लगेगा, मशीनों में होगी तो आपके अधिकतर लोगों को पता ही नहीं लगेगा। यहाँ बात यह है, यदि ये हो सकता है दैट इज़ इनफ, उससे ज़्यादा हमें प्रूव क्यों, इलेक्शन कमीशन हमें बुलाए बार बार और कहे कि आप प्रूव करो, क्यों कर रहे हैं प्रूव भाई? आप ये कह दो, यदि खड़े होके कह दो कि नहीं ये हो ही नहीं सकता है, तो हम मानेंगे कि आप बेवकूफ़ हो, हम आपको हटाएं, हम मानेंगे। मैं तो ये कहता हूं, इट्स अ सिंपल कॉमन सेंस लॉजिक, डेमोक्रेसी इज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस सेज दिस कैन बी, मे बी इट इजंट बीइंग, मे बी इट नेवर विल बी, बट मे बी इट कैन बी, दैट इज इनफ।
And the only way in which people will feel a greater sense of confidence, usme bhi ghaple to bahut hai, is desh mein ghaple ka nahi hai. Lekin there is a much, much greater sense of confidence when I put my thing onto a ballot and then I put it into the box and those ballots my agents watch, people watch that ye inki ginti ho. Jab tak wo nahi ho, mera ta sujav hum kehen ki EVM ho aap kam se kam VVPAT counting to karo. Ye to hume kehna chahiye aur varna VVPAT hatao.